अस्सलाम वालेकुम, शफीक लब जायका में आप सभी का वेलकम है। आज हम बनाएंगे हाजमे वाला शरबत। इसके लिए हमने ये 2 चम्मच सौंफ भिगा के रखी थी 1 घंटा, ये अच्छे से फूल गई है। अब ये हमने मिंट ली है, पुदीना, ये पत्तियाँ हमने निकाल के अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। पुदीने को हम 1 गिलास में डाल देते हैं। इसी में जो सौंफ है भिगा के रखी थी इसको भी डाल देंगे। और ये ज़ीरा है, ये भी डाइजेशन के लिए बहुत ही मुफीद होता है, इसको भी डालेंगे। 1 टीस्पून हमने डाला है 2 गिलास के लिए। और ये अजवाइन है, इससे भी पेट अच्छा रहता है। अगर आपकी लैट्रिन बार बार हो रही है या फिर गर्मी से कहीं से आए हैं बाहर से, तो घर आते ही इसको बना के पीजिए, आपको आराम मिलेगा। और साथ में काला नमक है, इसको भी डाल देते हैं 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम है। और अच्छे से इसको हम कूट लेंगे इसी में। पुदीना, अजवाइन और सौंफ, ज़ीरा सब अच्छे से मिक्स हो जाए, इसका अर्क निकल आए। और ये देखिए, पुदीना और सारी चीज़ें जो हमने डाली थी अच्छे से कूट पीस गई हैं इसमें। और अब हम इसमें शुगर डाल देते हैं। दो गिलास बना रहे हैं, हम 2 चम्मच शुगर डाल देते हैं। और थोड़ा सा पानी डालते हैं और इसको अच्छे से चम्मच की मदद से चला लेते हैं। और अब हम इसमें नींबू डाल देते हैं। ये नींबू का अर्क हम निकाल के हमेशा फ्रिज में रखते हैं, आप लोग ताज़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डाल देंगे, 1 नींबू है ये। और इस पानी को अब हम छान लेंगे, जिस गिलास में आपको पीना है उसमें आप छान लीजिए। आधा इसमें और आधा दूसरे गिलास में। ये हमने छान लिया है, एक खट्टा मीठा सा फ्लेवर वाला अच्छा सा शरबत रेडी है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और हम इसमें बर्फ डाल देते हैं। चला लेंगे। और ये हमारा हाजमे वाला शरबत रेडी है। आप लोग भी गर्मियों में बनाइए और इसको एंजॉय करिए। ये देखिए, अगर आप लोगों को हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।